सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबर की ओर। गाजियाबाद में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले मामले में राहत नहीं मिल रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के गाजियाबाद में पीएनबी ब्रांच के लॉकर की सीबीआई आज जांच करेगी। जानकारी के मुताबिक लॉकर की जाँच के दौरान मनीष सिसोदिया के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रहेंगी। बता दें कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के गाजियाबाद में पीएनबी ब्रांच के लॉकर की सीबीआई आज जांच करेगी। जानकारी के मुताबिक लॉकर की जांच के दौरान मनीष सिसोदिया की पत्नी भी मौजूद रहेंगी। दिल्ली के डिप्टी मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले मामले में राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के गाजियाबाद में पीएनबी ब्रांच की सीबीआई आज उनके लॉकर की जांच करेगी। बता दें कि जांच के दौरान उनकी पत्नी भी मौजूद रहेंगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण हमसे जुड़ेंगे। प्रवीण, सीबीआई ने अभी तक उनके घर और उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की है, अब उनके लॉकर की बारी है जांच करने की, तो इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? वसुंधरा पहुंच चुके हैं मनीष सिसोदिया, एंट्री कर रहे हैं। आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं इस समय पर। मनीष सिसोदिया की गाड़ी इस समय आ चुकी है वसुंधरा में। लगभग 11 बजे का समय दिया गया था, लेकिन हालांकि थोड़ा समय लगा। और ये देखिए मनीष सिसोदिया की गाड़ी सामने आ रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। पहली सीट पर मनीष सिसोदिया बैठे हुए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से मनीष सिसोदिया आ चुके हैं, उनकी पत्नी भी पीछे बैठी हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मनीष सिसोदिया पहुंच चुके हैं वसुंधरा के पीएनबी बैंक में। हालांकि लगभग 11 बजे का समय दिया गया था और मीडिया यहाँ पर लगातार पहले से मौजूद थी। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं इस समय पर। मनीष सिसोदिया और सीबीआई उनके पीछे, उनके लोग भी साथ में मौजूद हैं यहाँ पर। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से मनीष सिसोदिया, देखिए वो बैठे हैं मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी भी पीछे बैठी हुई है। हालांकि पहले से ही बात तय कर दी गई थी कि मनीष सिसोदिया पहुंचने वाले हैं और उनके साथ उनकी पत्नी भी पहुंची है। तो तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से मनीष सिसोदिया यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हालांकि लॉकर को लेकर जो बात कही जा रही थी, वो लॉकर को लेकर कि लॉकर में सीबीआई क्या चीजें खंगालेगी, उस पर एक मंथन चल रहा था। लेकिन इस समय पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप प्राइम टीवी से देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ मनीष सिसोदिया पहुंच चुके हैं और मीडिया ने चारों तरफ से गाड़ी को घेर लिया है, क्योंकि किस तरह से क्या क्या बातें होंगी, क्या क्या पूछताछ होगी। हालांकि पहले भी रेड लग चुकी थी। आप तस्वीरें देख सकते हैं इस तरह, मनीष सिसोदिया देखिए पहली सीट पर बैठे हुए हैं और लगातार किस तरह से मनीष सिसोदिया लगातार यहां पर देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से मनीष सिसोदिया और इनके साथ जो गाड़ी आई है वो लोग यहां पहुंचे हुए हैं। क्योंकि सीबीआई थोड़ी देर में यहां पर पहुंच रही है, तो उससे पहले मनीष सिसोदिया का लगातार पहुंचना लगातार आप देख सकते हैं। मनीष सिसोदिया देखिए उतर चुके हैं, आप ये देखिए गाड़ी से उतर गए हैं मनीष सिसोदिया, तस्वीरें देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, मीडिया से थोड़ा सा वार्तालाप करने में बच रहे हैं मनीष सिसोदिया। लगातार देखिए तस्वीरें देखिए इस समय पर मनीष सिसोदिया मीडिया को जवाब देने के लिए लगातार देखिए बच रहे हैं और अंदर पीएनबी की तरफ दाखिल हो रहे हैं। हालांकि उनका लॉकर है यहाँ पर, उनकी वाइफ और मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम दिल्ली के देखिए पहुंच चुके हैं। ये वो तस्वीरें हैं, आप एक्सक्लूसिव देख सकते हैं, मनीष सिसोदिया बैंक के अंदर एंटर हो चुके हैं। हालांकि लगातार मीडिया से बातचीत करने से कतरा रहे थे मनीष सिसोदिया, क्योंकि लगातार जिस तरह से मनीष सिसोदिया का इंतजार किया जा रहा था। हालांकि उनकी पत्नी भी देखिए अभी पहुंची हैं और साथ ही साथ उनकी पत्नी से देखिए वार्तालाप करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनसे कोई भी बातचीत नहीं हो पा रही है। तस्वीरें देख सकते हैं मयूरी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, प्राइम टीवी आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। उनकी पत्नी को देखिए, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है मीडिया द्वारा, लेकिन कुछ बताने को तैयार नहीं है। आप तस्वीरें देख सकते हैं लगातार मयूरी, ये वो तस्वीरें हैं पीएनबी बैंक की, जिसमें दाखिल हो रही है उनकी पत्नी मनीष सिसोदिया की। तस्वीरें देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं प्राइम टीवी द्वारा, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से उनकी पत्नी और मनीष सिसोदिया यहां पहुंच चुके हैं। हालांकि सीबीआई अंदर दाखिल होने वाली है और उनसे उनका जो लॉकर है उसमें क्या चीज दस्तावेज निकलेंगे उसको लेकर काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया का तय था आना कि 11 बजे आ जाएंगे, लेकिन हालांकि वो 11 बजे तक नहीं पहुंच पाए, थोड़ा समय लगा। कहीं ना कहीं इस वक्त जी मयूरी,
मनीष सिसोदिया के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद है, तो क्या पीएनबी ब्रांच में उनकी पत्नी का भी कोई लॉकर है जिसकी जांच हो सकती है? देखिए आपको बता दूं कि पहले ही मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट किया था और ट्वीट करने के बाद उन्होंने ये जाहिर कर दिया था कि उस जिस समय पर सीबीआई यहां पर आएगी तो हम उनको सहयोग करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। हालांकि सीबीआई पहुंच चुकी है, मनीष सिसोदिया भी अंदर दाखिल हो चुके हैं, तो लगातार अब सीबीआई जो है उनका जो लॉकर है, लॉकर को खंगालेगी। लॉकर में क्या क्या दस्तावेज हैं, क्या क्या उनके पास चीजें हैं जो कि आबकारी नीति से जुड़ी हुई, क्योंकि लगातार सीबीआई लगातार दिल्ली में उनके आवास पे भी रेड मार चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब सीबीआई वसुंधरा पहुंची है और सीबीआई लगातार पूछताछ करेगी। उनके उनके सामने ही उनका लॉकर खोला जाएगा, उनके पास चाबी है लॉकर की, क्योंकि उनको जिसका लॉकर होता है बैंक द्वारा उसी को ही चाबी दी जाती है और उसी से ही लॉकर खुलवाया जाता है। जी मयूरी जी, तो इसमें जांच में उनके लॉकर में क्या कुछ मिल सकता है, इसकी कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए लगातार उनके आवास पे जिस तरह से लगातार सीबीआई ने छापेमारी मारी की थी और उसके बाद उनके पास से जो दस्तावेज मिले थे, उनके पास जो मोबाइल थे, जो लैपटॉप थे, उनको लेकर खासतौर पे बात कही जा रही थी। सीबीआई उनके लैपटॉप भी लेके चली गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस वक्त देख सकते हैं कि सीबीआई और मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं। लगातार अब उनसे पूछताछ की जाएगी, उनसे उनके जो दस्तावेज हैं लॉकर के अंदर में वो खंगाले जाएंगे। हालांकि दस्तावेज किस तरह से हैं ये भी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आबकारी नीति से जुड़े हुए दस्तावेज या कुछ गहने वगैरह या कुछ भी ऐसे अन्य सामान जो हैं जिनको खंगाला जाएगा, सीबीआई लगातार पूछताछ करेगी। जी जी, वहां सीबीआई टीम पहुंच चुकी है, तो ये जांच की कार्रवाई कब की जाएगी? जी मयूरी, देखिए जांच लगभग शुरू हो गई क्योंकि मनीष सिसोदिया पहुंच चुके हैं। हालांकि अब मनीष सिसोदिया लॉकर को खोलेंगे और सीबीआई को सहयोग करेंगे, क्योंकि पहले ही उन्होंने ट्वीट कर बोल दिया था कि सीबीआई का हम पूरा सहयोग करेंगे। हालांकि जब मेरे घर से कुछ नहीं मिला तो अब क्या मेरे लॉकर से क्या निकल सकता है, इसको लेकर भी मनीष सिसोदिया ने ट्वीट में जानकारी दी थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त मनीष सिसोदिया के ऊपर कहीं ना कहीं सीबीआई शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है। हालांकि उनके जितने भी ठिकाने हैं, जितने भी उनके बैंक है या लॉकर है, उनकी छानबीन की जा रही है, उन दस्तावेजों की छानबीन की जा रही है। हालांकि वसुंधरा के सेक्टर 4 में उनका पीएनबी का अपना अकाउंट है जहां पर उनका लॉकर है, उस लॉकर में सीबीआई दस्तावेज खंगालेगी, क्योंकि आबकारी नीति से जुड़ा हुआ पूरा मामला है जिसको लेकर खासतौर पर मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई ने शिकंजा कसा था। उनके आवास पे जिस तरह से लगातार छापेमारी की गई थी, कुछ दस्तावेज मिले थे और उसके बाद दस्तावेज के बाद लगातार कुछ लैपटॉप वगैरह या उनके फोन को सीबीआई साथ ले गई थी। हालांकि उनकी जांच पड़ताल कर उसमें ही देखने को मिलेगा कि आखिर क्या आबकारी नीति से जुड़े हुए क्या कुछ मामले मनीष सिसोदिया के ऊपर है। जी उनके घर पर भी छापेमारी की गई थी, तो उसमें क्या कुछ सामने आया था? देखिए मयूरी, आपको बता दें खासतौर पे कि लगातार जिस तरह से मनीष सिसोदिया के घर पे जब पहली बार छापेमारी की गई थी तो उसमें हालांकि कुछ निकल के तो नहीं आया था, लेकिन हाँ सीबीआई ने कुछ दस्तावेज अपने हैंडओवर कर लिए थे, अपने हाथ ले लिए थे। तो कहीं ना कहीं उन दस्तावेज और जो वो लैपटॉप मोबाइल है उसको खंगाला जा रहा है। लगातार अब सीबीआई को एक इनपुट मिला है, लगातार यहाँ पर वसुंधरा के सेक्टर 4 पीएनबी बैंक पहुंचे हैं। हालांकि लॉकर मालिक को ही लॉकर खोलने की अनुमति होती है, उसके अलावा और कोई यहाँ पर लॉकर नहीं खोल सकता है, क्योंकि लॉकर का अपना एक पासवर्ड होता है, अपना एक, क्योंकि जो खाता धारक होता है उसी को ही लॉकर की चाबी सौंपी जाती है। सीबीआई ने आज मनीष सिसोदिया को यहाँ बुलाया और लगातार उनके सामने लॉकर खोलेगा और क्या कुछ निकल के सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी आम आदमी पार्टी के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया इस समय तो पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सुनने में ये भी आ रहा है, सूत्रों से हवाले से खबर है कि उनके समर्थक भी यहाँ पहुंच सकते हैं, तो उसको लेकर भी यहाँ पुलिस मुस्तैद की जा रही है, लोकल पुलिस को यहाँ बुलाया जाएगा, हालांकि कोई हंगामा ना हो जाए उसको लेकर भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। जी अभी मनीष सिसोदिया का बयान आया है, उन्होंने कहा कि सीबीआई 24 घंटे की छापेमारी 14 घंटे की छापेमारी में कुछ नहीं उनको मिला, तो अभी लॉकर की जांच कर ले उसमें भी कुछ नहीं मिलेगा, उनका ऐसा बयान सामने आया है।
देखिए लगातार ट्वीट हो रहे थे, लगातार मनीष सिसोदिया द्वारा अपनी सफाई पेश की जा रही थी। लेकिन हालांकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार ट्वीट करने के बावजूद, देखिए अब मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि इस समय पर सीबीआई के लोग पहुंच चुके हैं। पूरी टीम यहाँ पहुंच चुकी है। आप लगभग आप मनीष सिसोदिया पहले पहुंच चुके थे, अब सीबीआई देखिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सीबीआई अंदर जाकर लॉकर खोलेगी क्योंकि उनके सामने ही लॉकर खुलेगा। सीबीआई की पूरी टीम देखिए यहाँ पहुंच चुके हैं। लगभग अब जो उनका लॉकर है, लॉकर को खोला जाएगा और लॉकर से जो भी चीजें निकल कर सामने आएंगी वो सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण देखी जाएंगी क्योंकि मनीष सिसोदिया पर लगभग सीबीआई का शिकंजा आप बहुत पहले से लगातार चालू था। देखिए अब मीडिया से बात करने की कोशिश की, देखिए सीबीआई लगभग अंदर जा रही है, अब लॉकर खोला जाएगा सीबीआई के सामने। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं इस समय, सीबीआई लगभग पहुंच चुकी है पीएनबी बैंक के अंदर में। देखिए मयूरी लगभग अब जो है किसी तरह से सीबीआई जो है लॉकर की पूरी खंगाल करेगी, उसको जांच करेगी, उसके बाद ही सामने निकल कर आएगा कि आखिर इस लॉकर के अंदर में कौन कौन से दस्तावेज हैं जो आबकारी नीति से जुड़े हैं, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं। क्योंकि लगातार मनीष सिसोदिया के ऊपर जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे थे कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिस तरह से आबकारी नीति में उन्होंने घोटाला किया है, इसको लेकर लगातार लोगों या जो सरकार के भाजपा के लोग हैं या उनकी पार्टी से अलग लोग हैं वो लगातार उन पर आरोप लगा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया पूरा सहयोग कर रहे हैं सीबीआई को, पूरा उनको सहयोग किया जा रहा है। जी मयूरी, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए गाजियाबाद में पीएनबी ब्रांच की लॉकर की सीबीआई आज जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक लॉकर की जांच के दौरान उनकी पत्नी भी साथ मौजूद है। सीबीआई पीएनबी ब्रांच पर पहुंच चुकी है। गाजियाबाद में दिल्ली के डिप्टी मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले मामले में राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के गाजियाबाद में पीएनबी ब्रांच के लॉकर की सीबीआई आज जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक जांच के दौरान उनकी पत्नी भी मौजूद है। बता दें कि सीबीआई टीम ब्रांच पर पहुंच चुकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पहुंचेंगे हम वहां जहां हर खबर दबाई जाती है, दिखाएंगे वो जो आपकी